इंडिकेटर, आपका फ्यूज इंडिकेटर, ये सॉकेट रहा, ये दो तीन चार पांच, पांच स्विच लगा है, दो आपका सॉकेट लगा है, एक आपका फ्यूज इंडिकेटर और एक आपका होल्डर लगा है। तो देख लीजिए ध्यान से, इतना चीज इस बोर्ड में लगा हुआ है, इसका कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। हम आपको एक एक स्टेप बाई समझाते हैं कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। ये रहा आपका होल्डर, यानी ये बीच वाला ये होल्डर हो गया और आपका ये फ्यूज हो गया। ये फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, ये आपका बल्ब का होल्डर है, ये स्विच है, ये भी दो स्विच, ये भी दो स्विच, पांच स्विच कुल मिलाकर लगा है, दो सॉकेट लगा है। तो कनेक्शन देखते हैं, सबसे ऊपर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये आपका जो फ्यूज है, फ्यूज में सबसे पहले फेज सप्लाई आ गया, ये आ गया फेज सप्लाई यहाँ पे, ये आ गया न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे, ये न्यूट्रल हो गया, ये हो गया फेज। तो फेस यहाँ से आउट हो करके इसको तो न्यूट्रल मिल गया है, ऊपर से न्यूट्रल मिल गया और इसको फेस चाहिए, तभी ना ये जलेगा इंडिकेटर। तो एक फेस न्यूट्रल ऊपर से आ गया और यहाँ से चला जाएगा एक तो फेस, तो ऊपर न्यूट्रल नीचे फेस से ही आपका इंडिकेटर जलने लगेगा, इंडिकेटर यह काम करने लगेगा। ऊपर न्यूट्रल है और यहाँ से एक फेस सप्लाई आ गया, ये काम करने लगेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बल्ब को न्यूट्रल चाहिए, ये जो आपका बल्ब है इसको न्यूट्रल चाहिए, तो बल्ब को न्यूट्रल यहाँ चाहिए, सॉकेट को चाहिए, दोनों सॉकेट को, दोनों सॉकेट को और एक ये आपका होल्डर को न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, बाकी किसी को नहीं चाहिए, समझे। ये इंडिकेटर, दो सॉकेट, होल्डर को न्यूट्रल चाहिए, बाकी सबको फेस चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे आया है और ये फेस सप्लाई आया है और फेस सप्लाई इसको भी मिल गया है तो इंडिकेटर जलेगा। अब न्यूट्रल किसको किसको चाहिए वो दिया जाए, तो चलिए ये न्यूट्रल सप्लाई है तो यहीं से एक को दे दिया जाए बल्ब को। देखिए यहीं से ला करके हमने बल्ब को दे दिए हैं, बल्ब के किसी एक वायर में दे देंगे, कोई भी एक वायर में, दोनों में से किसी एक में न्यूट्रल सप्लाई इसको भी दे दिए। और देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई आया इस सॉकेट में आ गया, इसी सॉकेट से आउट होकर के इस सॉकेट में आ गया, ये दोनों के पास न्यूट्रल सप्लाई आ गया। ये न्यूट्रल ऐसे लूप है इसमें, ये न्यूट्रल यहाँ लूप है, यहाँ से इसमें भी लूप है, यानी सारा न्यूट्रल को एक न्यूट्रल यहाँ से निकाल दिए, ठीक है ना। और फेज सप्लाई जो यहाँ तक है, फेज सप्लाई, ये फेज सप्लाई आ गया यहाँ पे आ गया, तो इसको न्यूट्रल था, फेस मिल गया, तो ये आपका इंडिकेटर भी ये जलने लगेगा। अब देखिए यहाँ तक फेस सप्लाई आया है, आगे अब फेस ले जाना है, तो देखिए एक वायर को लेकर गए हैं यहाँ पे, ये स्विच के नीचे आ गया है, यहीं से देखिए आया है ऐसे, ये इसमें आ गया है और यहाँ से इसमें आ गया है और यहाँ से इसमें आ गया है। कुल मिला के बात ये है कि आप एक यहाँ पे पाँच स्विच लगाएं ना, चाहे आप 50 स्विच लगाएं, चाहे 5000 स्विच लगाएं, और जो फेस सप्लाई को लाएंगे तो सबके नीचे दे देंगे, यहाँ पे नीचे दे दिए हैं, इसके भी नीचे दे दिए हैं, ये सबके पास हम क्या किए हैं, फेस सप्लाई को ला करके जोड़ दिए हैं, यानी जो फेस सप्लाई इसके थ्रू इस फ्यूज से होते हुए आएगा, इसके थ्रू सबके नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया। अब देखिए ये सॉकेट बचा है, ये सॉकेट बचा है, अब इसको तो न्यूट्रल मिल गया, इसको भी तो न्यूट्रल मिल गया, लेकिन इसको फेस कहाँ से आया और इसका जो फेस है वो कहाँ से आया। तो जो ये फेस सप्लाई ये नीचे सबके पास है, तो सारा स्विच के पास है, जैसे ही ये स्विच को दबाएंगे तो जो सप्लाई इस फेस के थ्रू यहाँ आ रहा था ये आगे बढ़ के इसके पास पहुँच जाएगा। देखिए न्यूट्रल तो ऊपर से इसमें आ ही रहा था और जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये फेस भी इसके पास पहुँच जाएगा। अब देखिए इसके पास भेजना है तो न्यूट्रल इसके थ्रू यहाँ तक आ ही रहा है और जो फेस सप्लाई है इसके थ्रू आया यहाँ पे, और जैसे ही इसको यहाँ से ऑन करेंगे, ये दो नंबर को ऐसे ही ऑन करेंगे, तो ये सप्लाई देखिए ऐसे घूम करके इसमें चला जाएगा। ये सॉकेट का भी काम कंप्लीट हो गया, यानी ये सॉकेट कंप्लीट और ये सॉकेट कंप्लीट, इस स्विच से इसका काम चलेगा, इस स्विच से इसका काम चलेगा। अब क्या बचा है, ये आपका होल्डर बचा है, ये तो होल्डर में तो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं और ये फेस सप्लाई है, देखिए यहाँ से आ रहा है ना, तो फेस सप्लाई है, तो इस फेस सप्लाई को यहाँ इसको फेस देना है, तो फेस कहाँ से देंगे, ये फेस सप्लाई देखिए यहाँ आया, यहाँ यहाँ से निकल के यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम ऊपर दबाएंगे तो ये सप्लाई इस पे जाएगी, तो इसे ला करके इसको जोड़ दिए हैं, तो यानी कि ये जब दबाएंगे स्विच को तो आपका ये बल्ब जलेगा, और यहाँ पे इसको दबाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे इसको, जैसे ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में लाइट जाएगा, और यहाँ से ये दो नंबर को जैसे यहाँ से ऑन करेंगे तो इसमें ये लाइट जाएगा। गाइज आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड का कनेक्शन सीख गए होंगे, आपने देखिए ये बोर्ड का कनेक्शन आप फाइनली सीख गए हैं, हमको पता है कि आप सीख गए हैं, ये आपका फ्यूज इंडिकेटर, दो सॉकेट और पांच स्विच और होल्डर का कनेक्शन आप सीख गए होंगे।